नमस्कार, मैं हूं दिव्या सिंह। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एनडीए के नेतृत्व में समाप्त हुई बिहार कैबिनेट की पहली बैठक, चार एजेंडों पर लगी मुहर। नीतीश कुमार के इंडी गठबंधन से पाला बदलने की वजह आई सामने। इस 80 साल के बुजुर्ग किसान की कहानी सुनकर आपके भी उड़ जाएंगे होश। अवध बिहारी चौधरी को हटाने की शुरू हुई कवायद। इंग्लैंड से मिली हार के बाद WTC पॉइंट में 3 पायदान नीचे आया भारत। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एनडीए के नेतृत्व में समाप्त हुई बिहार कैबिनेट की पहली बैठक, चार एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार में एनडीए सरकार के नेतृत्व में पहली कैबिनेट बैठक का आज आयोजन हुआ है। चार एजेंडों पर इस बैठक के दौरान मुहर लगी है। वहीं इस कैबिनेट बैठक के दौरान बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की जो तारीख थी उसे रद्द कर दिया गया है और 5 फरवरी को होने वाले बजट सत्र को आगे बढ़ा दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार अब इस बैठक की तारीख को नए सिरे से तय किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में जिन चार एजेंडों पर मुहर लगे हैं उनमें 2 संसदीय कार्य थे और 2 वित्त विभाग के एजेंडे शामिल थे। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक मंत्रियों के विभागों का बंटवारा आज शाम तक किया जा सकता है। कड़ाके की ठंड ने लोगों की जेब पर डाला असर, जानिए क्यों 1.5 लाख बिजली उपभोक्ता पर लगा जुर्माना। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। अब ठंड से बचने के लिए लोग अधिक मात्रा में हीटर ब्लोअर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इससे उपभोक्ता का बिजली बिल कई ज्यादा बढ़ गया है। पीसू के अनुसार इस महीने ठंड के कारण करीबन 1.5 लाख उपभोक्ताओं ने स्वीकृत लोड से अधिक बिजली की खपत की है, जिसके कारण इन्हें दुगना जुर्माना लगा है। इससे उपभोक्ताओं पर बिजली बिल का बोझ भी बढ़ गया है। पेसू की जानकारी के अनुसार 6 लाख उपभोक्ताओं में अधिकतर उपभोक्ता 2 से 3 किलोवाट स्वीकृत लोड वाले हैं। इनमें कुछ उपभोक्ताओं ने गर्मी में अपना लोड बढ़ाया, ये जारे आते फिर लोड घटा लिया, लेकिन जारे में लोड को बढ़ाया और स्वीकृत लोड से अधिक खपत कर लिया, जिसके कारण जुर्माना लग गया। लोगों को भीषण ठंड में बिजली खपत का अंदाजा नहीं रहा। वैसे बता दें, स्वीकृत लोड से अधिक बिजली खपत करने पर दुगना जुर्माना लगता है। नीतीश कुमार के इंडी गठबंधन से पाला बदलने की वजह आई सामने। बीते दिन नीतीश कुमार ने महागठबंधन को बड़ा झटका देते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ एक नई गठबंधन बना ली और एक बार फिर वो बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। वैसे महागठबंधन से नीतीश का नाता तोड़ना और एक बार फिर उनका बीजेपी के साथ चले जाने के पीछे की वजह अब सामने आई है। दरअसल जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू ने अब इसके पीछे की वजह बताई है। जेडीयू नेता केशी त्यागी ने कहा है कि कांग्रेस ने नीतीश कुमार का अपमान किया और इंडी गठबंधन को अपने पाले में करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि कांग्रेस इंडी गठबंधन को हड़पना चाहता था और इसके लिए प्रयास शुरू भी हो गए थे। केसी त्यागी ने बताया कि पिछले साल 19 दिसंबर को दिल्ली के एक होटल में इंडी की बैठक हुई। इस बैठक में इंडी गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे का नाम सुझाया गया था, जबकि इसके पहले मुंबई में हुई बैठक में ये तय हुआ था कि बिना किसी का चेहरा आगे किए वे गठबंधन अपना काम करेगा। इसी वजह से नीतीश कुमार ने ये कदम उठाया है। इस 80 साल के बुजुर्ग किसान की कहानी सुनकर आपके भी उड़ जाएंगे होश। बिहार के एक 80 साल के बुजुर्ग किसान के हौसले और जज्बे को सुनकर शायद आपका भी सीना गर्व से फूल जाएगा। 80 साल के इस बुजुर्ग किसान ने अपने पूरे जीवन में कई सारे ऐसे काम किए हैं जिसके कारण इन्हें पुरस्कृत किया जा चुका है, और वो भी 1 या 2 बार नहीं बल्कि कई बार। अभी हाल ही में इन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपको बता दें कि इस बुजुर्ग किसान का नाम डॉक्टर अर्जुन मंडल है। ये बिहार के जमुई जिला के लक्ष्मीपुर प्रखंड क्षेत्र स्थित चिनबेरिया गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने पिछले 50 से भी अधिक सालों में औषधीय पौधों के संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर काम किया है। इन्होंने अपनी मेहनत की बदौलत एक ऐसा बगीचा तैयार किया जहां दुर्लभ पौधों का खजाना है। किसान ने बीते 5 दशक से भी अधिक समय में विलुप्त औषधीय पौधे अपने बगीचे में लगाकर पूरे देश में अपना परचम लहराया है। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू यादव से पूछताछ जारी। नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में राजद प्रमुख लालू यादव से ईडी की पूछताछ जारी है। दिल्ली से ईडी के अधिकारी पटना पहुंचे हैं, जिसके बाद लालू यादव ईडी दफ्तर पहुंचे।
जहां उनसे पूछताछ जारी है। ईडी ने नौकरी के बदले जमीन मामले में घोटाले से जुड़े धन संशोधन मामले में लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव को अपने पटना कार्यालय में पूछताछ के लिए समन जारी किया था। समन के तहत लालू यादव को 29 जनवरी यानी कि आज पेश होने के लिए कहा गया, वहीं तेजस्वी यादव को 30 जनवरी को बुलाया गया है। बता दें कि लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों पर रेलवे में नौकरी के बदले जमीन हथियाने का आरोप है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक 2004 से 2009 तक इंडियन रेलवे के अलग अलग जोन में ग्रुप डी पदों पर कई लोगों को नियुक्त किया गया था और इसके बदले में उन्होंने अपनी जमीन तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों को दे दी थी। एक्शन मोड में आई एनडीए सरकार, अवध बिहारी चौधरी को हटाने की शुरू हुई कवायद। बिहार में राजनीतिक पारा इन दिनों काफी गर्म है। बीते दिन नीतीश कुमार ने महागठबंधन को बड़ा झटका देते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ एक नई गठबंधन बना ली और एक बार फिर वो बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। वही अब एनडीए सरकार एक्शन मोड में आ गई है। एनडीए सरकार ने अपना पहला एक्शन लेते हुए विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है। एनडीए सरकार ने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ विधानसभा सचिव को नोटिस भेजा है। नोटिस में लिखा गया है कि एनडीए के सत्ता में आने के बाद वर्तमान अध्यक्ष पर सभा का विश्वास नहीं रहा। अवध बिहारी चौधरी आरजेडी के नेता है और लालू यादव के करीबी है। सरकार ने बड़े स्तर पर राजस्व और अंचल अधिकारियों का किया तबादला। बिहार सरकार ने बड़े स्तर पर 56 राजस्व और अंचल अधिकारियों का तबादला किया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी है। वैसे इससे पहले 26 जनवरी को 478 राजस्व एवं अंचल अधिकारी के तबादले की अधिसूचना विभाग द्वारा जारी की गई थी। वही अब एक बार फिर 56 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। कुल मिलाकर 534 राजस्व और अंचल अधिकारियों का अब तक तबादला हो गया है। वैसे बता दें कि 26 जनवरी को जिन 478 राजस्व एवं अंचल अधिकारियों के तबादले किए गए थे उनमें 23 पदाधिकारियों की कुछ तकनीकी कारणों से तबादला आदेश में संशोधन किया गया था। इनमें कई पदाधिकारियों के स्थान बदले गए हैं। कुछ स्थानों पर 2 पदाधिकारियों की तैनाती हो गई थी और कुछ पदाधिकारियों का नाम तबादला आदेश में 2 बार छप गया था, जिन वजह से इसमें संशोधन किया गया है। सम्राट चौधरी का लालू यादव पर तंज, कहा देश की जनता जानती है कि ये भ्रष्टाचारी लोग हैं। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में राजद प्रमुख लालू यादव से पूछताछ चल रही है। दिल्ली से ईडी के अधिकारी पटना पहुंचे हैं। वहीं इसको लेकर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार तो लालू यादव का गहना है। इतना ही नहीं, सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी बताए कि आखिर इतने कम समय में इतनी संपत्ति कहां से आई है। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू जी ऐसे नेता हैं जो खुद मुख्यमंत्री थे और केंद्र में उन्हीं की पार्टी के प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी और इंद्र कुमार गुजराल जी, इसके बावजूद उनकी पार्टी ने सीबीआई जांच करवाकर उनको जेल में डाला। किसी दूसरी पार्टी ने ऐसा नहीं किया है। लालू जी जब रेल मंत्री हुए तो गरीबों को जो नौकरी मिलना था उसके बदले जमीन लेने का काम किया, जमीन घोटाला किया। दूसरा, जब वो मुख्यमंत्री थे तो चारा खा गए। तो देश की जनता जानती है कि अब भ्रष्टाचारी लोग हैं, भ्रष्टाचार इनके लिए गहना है। लालू यादव को बिना किसी सहायक के ईडी दफ्तर बुलाने पर भड़की रोहिणी आचार्य। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में ईडी ने लालू यादव को दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया। अब इसी के बाद लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने सीबीआई और ईडी के साथ साथ नीतीश कुमार को भी अप्रत्यक्ष रूप से चेतावनी दे डाली है। इस ट्वीट के दौरान उन्होंने अपने पिता की तबीयत का फिक्र करते हुए कहा कि सबको पता है कि पापा के हालात कैसे हैं, वे बिना किसी सहारे चल नहीं सकते, फिर भी बिना उनके सहायक के उन्हें अंदर बुलाया गया। रिक्वेस्ट करने पर भी किसी भी सहायक को उनके साथ अंदर जाने नहीं दिया गया। यदि मेरे पापा को कुछ भी होता तो इसके जिम्मेदार गिरगिट के साथ साथ सीबीआई और ईडी के मालिक होंगे। 180 दिन में सरकार गिरा दूंगा, तेजस्वी यादव। मनीष कश्यप, नाम तो सुना ही होगा, ये वही मनीष कश्यप हैं जिन्होंने जेल जाने से पहले बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को चैलेंज किया था कि मेरे जेल से बाहर आते राजद की सरकार गिर जाएगी, और देखिए हुआ भी वही। अब इसको लेकर मनीष कश्यप सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। बता दें कि मनीष कश्यप जेल जाने से पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। उन्होंने कहा था कि अगर मैं
गिरफ्तार हुआ तो तेजस्वी यादव जी चैलेंज है, आप जितना मेरा कुंडली खंगालेंगे उससे 100 गुना ज्यादा मैं आपकी कुंडली खंगालूंगा, एकदम गारंटी है। और जेल आने के बाद 180 दिन के अंदर आपकी सरकार गिरा दूंगा। मुझे अगर गिरफ्तार किया गया और मैं तैयार भी हूं, आपकी पुलिस जब चाहे गिरफ्तार कर सकती है। और देखिए, मनीष कश्यप के जेल से बाहर आते राजद की सरकार गिर गई। नीतीश ने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया और एक बार फिर नई गठबंधन बना ली। भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी पहुंचे बिहार, लोगों ने जोर शोर से किया उनका स्वागत। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी फिलहाल भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। इसी के तहत सोमवार को राहुल गांधी बिहार के किशनगंज पहुंचे। राहुल गांधी किशनगंज के फरान गोला चौक पर आज अपनी यात्रा के तहत पहुंचे, जहां राहुल का स्वागत करने के लिए बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन और अन्य कई लोग मौजूद रहे। राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा के तहत किशनगंज के फरान गोला में लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश में आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा ने हिंसा और नफरत फैला रखी है। भाई भाई से लड़ रहा है, एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म से लड़ रहा है, भाषाओं के बीच लड़ाई हो रही है। हम जानते हैं कि ये मोहब्बत का देश है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा, बच्चों को कहा कि किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए खुद को मजबूत बनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में बच्चों से संवाद कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बच्चों से संवाद करते हुए कहा कि खुद से बड़े लक्ष्य ना बनाएं। उन्होंने कहा कि दबाव को खुद पर हावी ना होने दें, परीक्षा को लेकर परिवार में भी चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विद्यार्थियों के बैच बदलते रहते हैं, मगर टीचर के बैच नहीं बदलते। हर माँ बाप ने किसी न किसी रूप में इस समस्या को झेला है, ऐसे में आपका समाधान क्या है? परीक्षा सबकी जिंदगी में आती है, किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए खुद को मजबूत बनाए। आपको बता दें कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम भारत मंडपम में हो रहा है। जानकारी के मुताबिक इस चर्चा में शामिल होने के लिए करीब 2 करोड़ से अधिक छात्र छात्राओं समेत अभिभावक और टीचरों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। रेलवे में नौकरी की तैयारी करने वालों को रेल मंत्री ने दी खुशखबरी। रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा बड़ी खुशखबरी दी गई है। दरअसल रेल मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि हर साल सैकड़ों नई ट्रेनों की शुरुआत, नवीनतम तकनीक, 1000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण और आधारभूत संरचना में व्यापक विस्तार के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों की जरूरत पड़ने वाली है। इसलिए रेलवे में नौकरी और रोजगार के अधिक अवसर पहले की तुलना में उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने बताया कि इन रिक्तियों को वार्षिक आधार पर निकाला जाएगा। ग्रुप डी में तकनीकी और गैर तकनीकी कैटेगरी में रोजगार के अधिक मौके मिलेंगे। सब कुछ एक साथ करने के बजाय हमारा टारगेट अधिक रोजगार मुहैया कराने पर है, जिसके तहत वार्षिक भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार और नौकरी के लिए मौका मिल सकेगा। बिग बॉस विजेता मुनव्वर को फिक्स्ड विनर बताने पर मिला मुंहतोड़ जवाब। बीते दिन टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बिग बॉस ने अपने 17वें सीजन के विनर का नाम की घोषणा की। इस दौरान बिग बॉस के इस 17वें सीजन के विनर में स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने अपनी जगह बनाई। मुनव्वर फारूकी के टक्कर में अभिषेक कुमार है। अब मुनव्वर फारूकी का नाम विजेता के रूप में आने पर कई लोग उन्हें फिक्स्ड विनर बता रहे हैं। अब इसे लेकर मुनव्वर ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि फिक्स्ड विनर को इतना कुछ सहना पड़े तो वह फिक्स्ड विनर ही नहीं हो सकता, और मुझे सब कुछ एक थाली में नहीं मिल जाता। पूरा सीजन गवाह है कि मुझे कुछ भी करा कराया नहीं मिला, मैंने अपनी मेहनत से इसे जीता है। आगे उन्होंने कहा कि जो लोग मुझे फिक्स्ड विनर बता रहे हैं उसके लिए मेरा एक ही जवाब है, वो लोग एक बार पूरा सीजन देख ले, तब आपको हकीकत पता चल जाएगी। इंग्लैंड से मिली हार के बाद WTC पॉइंट में 3 पायदान नीचे आया भारत। भारत WTC पॉइंट टेबल में हैदराबाद से मिली शर्मनाक हार के बाद 5वें स्थान पर आ चुका है। वहीं बांग्लादेश अब 34 स्थान पर अपनी जगह बनाने में सफल हुआ है। इसी कड़ी में पाकिस्तान भी 6 स्थान पर बना हुआ है। बता दें कि इस हार से पहले भारत 2रे स्थान पर हुआ था। हैदराबाद में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया, तब इंग्लैंड ने भारत को 28 रनों से हराकर और 1-0 से बढ़त बना ली।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, सनी यादव, रवि कुमार राम, बलिंदर ठाकुर, राजकिशोर महतो MD, शाकिर हुसैन, नौशाद अंसारी, उमेश ऋषि देव, रोहित कुमार MD, अर्शद, RK राणा, शादुल्ला पालवी, बाबूलाल मरांडी, वेद प्रकाश सिन्हा, कन्हैया कुमार, छोटू राजा, गोनर शर्मा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारत को मिली हार की सबसे बड़ी वजह क्या है? आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज, और साथ ही साथ आप YouTube से इस चैनल को देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करना, और अगर Facebook से आप इसे देख रहे हैं तो उसे फॉलो करना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।